हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 वाले जे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर NIT राउरकेला द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो है आपके नॉन टीचिंग पोजिशन पोस्ट के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइब्रेरियन, इंजीनियर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर लें। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपको आना होगा अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर, जो कि फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहां पर देखिए, आपको एक लिंक मिलता है साइन इन का। अब साइन इन करने के लिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं, तो आप यहां पर सबसे पहले करेंगे साइन अप। साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन होगा, और यहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है। वो क्या क्या है, एक आपका यहां पर पहले नाम हो गया, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको यहां पर देना जरूरी है, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहां दे सकते हैं। इसके बाद आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपकी देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको दिन, महीना और ईयर तीनों ही यहाँ पर सेलेक्ट आपको करने होंगे, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड जनरेट करना है, तो कोई भी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है पासवर्ड के लिए, तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ जनरेट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे साइन अप वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जो कि एक मेल आपके मेल आईडी पर गया होगा, जो भी आपने रजिस्टर की है उससे आपको उसको वेरीफाई करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद ही आप क्लिक करेंगे साइन इन वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद जो यूजर नेम और जो पासवर्ड आपको आपने जनरेट किया है वो आप यहां पर डालकर इसमें साइन इन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद आप लॉगिन कर जाएंगे इसके होम डेस्क पर, और यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी यहां पर कोई भी एप्लीकेशन स्टेटस फाउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कोई अप्लाई नहीं किया है। आपको क्लिक हियर पर जो है क्लिक करना होगा, जिससे आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपका यहां आ चुका है। इसके बाद देखिए मिडिल नेम या लास्ट नेम, यदि आपके पास है आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इनको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, तो आपका जो भी फादर नेम है, और उसके बाद जो मदर नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC या ST, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फर्दर ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये करने के बाद ये है आपका फ़ोन नंबर का ऑप्शन, तो देखिए आपका जो फ़ोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है आप दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर के लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोड देना होगा यहाँ पर, और ये कोड देने के बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको मिलता है आपकी मेल आईडी का ऑप्शन, तो मेल आईडी आपने फिल कर चुके हैं। यदि इसके अलावा भी अगर आप कोई मेल आईडी देना चाहते हैं, आप यहाँ पर दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर का। यदि आपके पास ये दोनों अवेलेबल हैं आप दे सकते हैं, यदि नहीं है आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर देखिए अगर आप VH, OH, HS या ID&E इसमें अगर कैटेगरी में आते हैं, तो सीधे आपको 0 हटाकर परसेंटेज की एंट्री कर देनी है। मान लीजिए आप इसमें 45 की एंट्री करते हैं, तो आप 45 लिख देंगे। ये आप कब लिखेंगे, जब आपका जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का, उसमें फ्रेंड जो भी आपकी यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज लिखी है वो आपको एंटर करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पर जो नंबर है वो डालेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेटस आपका यस हो जाएगा, नहीं तो आप इसको 0 रहने दें, यदि आप इस सेक्शन में एलिजिबल नहीं है तो। ये उसके बाद ऑटोमेटिक आपका नो रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है आपके एड्रेस सेक्शन, तो देखिए आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उसके बाद यहाँ पर लिखना चाहे तो आपका जो यहाँ पर
स्टेट है वो भी आप लिख सकते हैं, कंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ दिया ही गया है, और उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ पर अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है आप सेमस पर क्लिक कीजिए, यदि अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके एजुकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए जो एजुकेशन क्राइटेरियाज है उनमें क्या क्या आपको फिल करना है। तो देखिए जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मान के चलिए आप फिल कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, या आप टेक्नीशियन के लिए फिल कर रहे हैं, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर कोई भी फर्दर आप यहाँ पर कोई भी पोस्ट अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है, तो मास्टर डिग्री तक, तो 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पीजी डिग्री, सभी आपको देना जरूरी होगा। यदि मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको एक्सपीरियंस सेक्शन भी फिल करना होगा। अब हम मान लीजिए फॉर्म फिल कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहां पर आपसे बीई बीटेक मांगा गया है, तो आप इसकी ही जानकारी देंगे, तो मतलब 10th 12th और उसके बाद बीई बीटेक। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, बैचलर डिग्री की है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स यहां पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे 10th को, इसके बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे +2 मतलब 12th को, इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन की है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं जहां पर सिर्फ 10+2 ही मांगा है, तो आप आगे की प्रोसेस छोड़ सकते हैं, सिर्फ इन दो की एंट्री आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस पोस्ट के लिए यहां पर फॉर्म को फिल करते हैं। अब यहां पर जो भरने का तरीका है वो क्या रहेगा, देखिए 10th के लिए कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, आप यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन आपकी नहीं होगी। 10+2 के लिए फ्रेंड्स आप यहां पर अपनी स्ट्रीम का नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स में किया है या साइंस में किया है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट का नाम भी लिखना चाहें तो आप सब्जेक्ट का नाम भी कॉमा लगाकर लिख सकते हैं। बाकी आप यहां पर पीसीएम पीसीबी कॉमर्स आर्ट्स ये लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपने जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया होगा वो आप आराम से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपको देना है। इसके बाद आपने इसको पास कब किया है वो आपको यहाँ देना होगा, तो आप यहाँ से ईयर जो है चूज कर लेंगे। इसके बाद है मोड ऑफ आपकी ग्रेड, तो मतलब आपने CGPA लिया है, आप CGPA पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने CGPA की यहाँ पर एंट्री करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको कितने में से कितने CGPA मिले हैं, तो 10 आउट ऑफ कितने आपको CGPA मिले हैं वो आप यहाँ दे देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए आपने 9 यहाँ दे दिया, उसके बाद आपकी क्लास या ग्रेड या डिवीजन क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका परसेंटेज सिस्टम है, तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके नंबरों की आप यहाँ एंट्री करेंगे। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी परसेंटेज 10वीं में है 78.83, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एंट्री इसकी करनी है, तो आप इस तरह से यहाँ एंट्री करेंगे। नंबरों की एंट्री नहीं करनी है आपको, परसेंटेज की एंट्री करनी है, CGPA वालों को CGPA की, परसेंटेज वालों को परसेंटेज की। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए चाहे तो इसको ऐसे 1 लिख सकते हैं क्लास या ग्रेड डिवीजन, या फिर फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप जैसे यहाँ पर लिखना चाहें, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये डिटेल फिल करनी है, सेम आपका कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, आपका बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, सेम आपका परसेंटेज या CGPA सिस्टम, और उसके बाद आपकी परसेंटेज और क्लास ऑफ ग्रेड आप यहां पर फिल कर सकते हैं। अब 10th की आप एंट्री करें, 12th की करें, डिप्लोमा की करें, ITI की करें, MCOM की करें, PhD की करें, कोई भी डिटेल आप यहां एंटर करना चाहें इनमें, आप इन सेक्शंस में इनको सेलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है 4 से भी, तो आप यहां पर एड रो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक रो और आपके नीचे एड कर देगा, और इसके बाद आप चाहें तो मल्टीपल और भी यहां पर जोड़ सकते हैं। यदि आपको चाहते हैं कि ये ज्यादा हो गया है तो आप यहां कम करना चाहते हैं तो यहां से इसको कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपने एजुकेशन क्राइटेरियाज की आप एंट्री कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका जो एरिया है उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ज़्यादा इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगर इन सेक्शन में कोई एरर होगा आपको वो बता देगा, आप आगे प्रोसेड ही नहीं कर पाएंगे, और यदि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होगा तो आप आराम से आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो है आपके एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मैं इन सेक्शंस को ब्लैंक छोड़कर आगे क्लिक करके सेव करके आगे जा सकता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं डिटेल्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने काम किया है वो आपको नाम देना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, इसके बाद आप किस पोस्ट पर काम करते थे, किस पद पर काम करते थे, आपकी पे स्केल क्या है, आप पे स्केल कहाँ
मिलेगी आपको, जो आपको सैलरी स्लिप मिलती थी उस पर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी देखिए जो ग्रेड पे थी वो क्या थी, वो आपको देखने को मिल जाएगी आपकी सैलरी स्लिप पर, और कब से कब तक आपने काम किया है, और उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं प्रेजेंट में भी, और आप अभी भी काम कर रहे हैं करंट जॉब में, तो आपको जो ये टू वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको लिखना है कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंटिन्यू लिखने के बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं यदि आप इसमें काम कर रहे हैं पहले से ही। तो अब यहाँ पर देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो रिसेंट जॉब है उससे आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको मल्टीपल कंपनीज में अगर आपने काम किया है तो उसकी आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है किसी कमेटी या सेक्शन या ऑफिस में, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़कर सीधे यहाँ से 7 नेस्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई अवार्ड ऑनर या डिस्टिंक्शन मिली है आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि आप जो करंट एम्प्लॉय टाइप है आपका वो क्या है, वो आप यहाँ देना चाहें दे सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपकी जो NOC है वो आपको बतानी होगी, अगर नहीं है आप नोट एप्लीकेबल भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों में ही अगर आप एलिजिबल नहीं है आप इनमें नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने कभी पहले इसमें अप्लाई किया था इस इंस्टीट्यूट में किसी जॉब के लिए तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टाफ है उससे कोई रिलेटिव आपका काम करता है तो भी आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। यदि आप NIT के राउरकेला के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आप यहां पर यस या नो करके यहां पर एम्प्लॉय कोड भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके यहाँ पर डिस्चार्ज या सस्पेंडेड आप हुए हैं किसी भी पोजीशन से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, और आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया गया है तो आप यहाँ पर इसमें यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी यस या नो करनी है आपकी LGT के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपका कोई नेक्स्ट 5 ईयर का फ्यूचर प्लान आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 references। तो फ्रेंड्स आप किसी का भी रेफरेंस अगर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। इसके लिए आपको उस व्यक्ति का नाम, वो किस पोजिशन पर काम करता है, ज़रूरी नहीं है वो NIT में काम करता हो, ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में काम करता हो, वो प्राइवेट करता हो, सेल्फ करता हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस आपका वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसका एड्रेस, उसका mail ID, मोबाइल नंबर आप यहाँ देकर दोनों में इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो 2 references आपको यहाँ पर देना होगा। अब ये कंपलसरी है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सीधे यहाँ पर 7 next करते हैं। यदि ये 7 next हो गया मतलब ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं रहेगा, और यदि आप देना चाहेंगे तो भी आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा यहाँ देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो रेफरी नेम है वो आपको देना यहाँ पर ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना ज़रूरी होगा और ये देना ही होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप कर क्या सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया आप आपके पड़ोस में या आपके दोस्त या कोई भी कोई कहीं कंपनी में किसी प्राइवेट जॉब में या उनका सेल्फ का बिजनेस भी है तो आप उनकी जो जानकारी है दे सकते हैं। अब मान लीजिए उनका मोबाइल नंबर या mail ID आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी mail ID दे सकते हैं जो भी आपके पास हो, परिवार में हो, और मोबाइल नंबर भी आप किसी का भी दे सकते हैं। मेनली आपको नाम, उनकी पोजीशन और एड्रेस आपको सही सही फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर अभी सैंपल के तौर पर 2 व्यक्तियों के नाम यहां पर लिख दिए हैं। तो उनका नाम, पोजीशन, एड्रेस, mail ID और मोबाइल नंबर जो भी उनका है आपके पास है वो आप यहाँ दे सकते हैं। यदि अवेलेबल है उनका मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इससे, और कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने भी नहीं वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर नाम देना चाहें पर नाम बिल्कुल सही सही दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये करने के बाद आप यहाँ से इसको 7 next करके भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ये आपको अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको साइज़ दिया गया है तो इन साइज़ में ही आप ये अपलोड करेंगे। फोटो के लिए आपको बहुत अच्छा साइज़ दिया गया है 300 KB, तो आप कोई भी यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो कि रिसेंट हो, पासपोर्ट साइज़ हो, कलर हो, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB रखा गया है, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ उसका प्रीव्यू दिखेगा, और प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ पर इस पर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके फाइनल सबमिशन का। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 01/2020 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो है आपकी 3 advertisement निकली हुई है, 01, 02 और 03, तो वो फ्रेंड्स अलग अलग वैकेंसीज हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 01 की कर रहे हैं, पर यदि आप चाहते हैं मान लीजिए अदर पोस्ट के लिए फिल करना वो भी आप कर सकते हैं। तो आप 01 को ही सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप देखिए जिस पोस्ट के लिए आप
एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो देखिए आपको स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर सेक्टर भी दिया गया है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस या अदर्स, या फिर जो भी आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है। अब 12th से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए साइंस, कॉमर्स, या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए बीटेक से कर रहे हैं तो आपका इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके ऊपर है वो जो आपने अब डिग्री दी है या जो डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देनी होगी। यदि नहीं है आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद उसको जो है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको मैनुअल देनी होगी। नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर लें और उसके बाद जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमारी स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल में है तो हमने यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पोस्ट सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, मान लीजिए टेक्नीशियन में आप करना चाहे टेक्नीशियन नहीं करके टेक्निकल असिस्टेंट करनी है, टेक्निकल असिस्टेंट आप सेलेक्ट कर लें। और नीचे आने के बाद आपको ये एग्री करना है, और एग्री करने के बाद आपको यहाँ से प्रिव्यू देखना है। प्रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल की है उसका अगर प्रिव्यू आप चेक नहीं करेंगे तो आप कोई ना कोई गलती इसमें छोड़ देंगे, और प्रिव्यू देखकर अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा आप यहां देख रहे होंगे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, आपके फोटो एंड साइन आपको यहां दिखाई देंगे, और आप एक एक डिटेल को आराम से चेक करिए। और जब आप यहां पर इन डिटेल्स को चेक कर लेंगे उसके बाद ही आप पेमेंट पर जा सकते हैं। पेमेंट करने से पहले इन डिटेल को जरूर चेक कीजिएगा, कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें एडिट बाद में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखिए दो पोस्ट सेलेक्ट की थी, दोनों को आपको पे करना होगा। यदि आप एक पे अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको एक ही फी पे करनी होगी, तो ये आपके ऊपर है आप कितनी जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे नाउ का सेक्शन भी मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना पेमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड जब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये डिक्लेयर करना है, यहाँ से प्रोसीड करना है, और इसके बाद यहाँ जो कैटेगरी है इसमें आपको सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट फी नॉन टीचिंग पोस्ट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अब आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, नेम ऑफ एप्लीकेंट है, ये आपको देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको देखिए ये रहा देखने को मिल जाएगा, आपको ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। इसके बाद जिस नाम से आपने पोस्ट को फॉर्म को फिल किया है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई के लिए आपको देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको बतानी है, पीएच स्टेटस आपको बताना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको बतानी है, आपकी फीस यहाँ आती है। इसके बाद आप दोबारा से नेम, डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करके यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसका जो पेमेंट है वो किसी भी गेटवे से आप कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, चाहे आप नेट बैंकिंग यूज़ करें, आप कोई भी माध्यम यूज़ करें, उसके बाद अपना जो पेमेंट है वो कन्फर्म करके आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं आपको नेट बैंकिंग, कार्ड का डिटेल्स यहां पर सभी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जो भी यहां ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप SBI यूज़र हो, आप किसी भी बैंक के कार्ड का यूज़र है, किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग यूज़र है, आप आराम से पेमेंट अपना यहां से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जब आप अपना पेमेंट यहां कंफर्म कर देंगे उसके बाद आप यहां से जो आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू एप्लीकेशन का वो आप चेक कर सकते हैं। आपका पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और व्यू एप्लीकेशन करके आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे आप NIT राउरकेला का नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 824 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।